बाबर आजम भैया गया, बाबर आजम की डाबर आजम की कुर्सी गई, क्योंकि खबर इतनी बड़ी आई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर और बाबर आजम को लेकर कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी। सवाल तो पाकिस्तान के अंदर पहले भी खड़े हो रहे थे बाबर आजम को लेकर कि भैया बाबर आजम की कप्तानी जाने वाली है। आपको याद होगा पिछले कुछ महीने पहले बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बातें भी होने लगी थी, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अब बाबर आजम की कप्तानी पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और कहा जा रहा कि भैया बाबर का डाबर बन गया और बाबर की कप्तानी जाने वाले। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली मची है एशिया कप को हारने के बाद। एशिया कप में जिस अंदाज में पाकिस्तान की टीम भार हुई है उसके बाद में खलबली मची हुई है, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल दो वजह से खड़े किए जा रहे हैं। पहला सवाल तो इसलिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम बाहर हुई आखिरी मुकाबले में, अगर आप देखें तो अगर बेहतर तरीके से फील्डिंग सेट की हुई होती बाबर आजम ने तो शायद वो मुकाबला पाकिस्तान जीत जाता। तो सवाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम की कप्तानी पर खड़े हो रहे हैं कि बाबर आजम उस तरीके की कप्तानी करते नजर नहीं आ रहे हैं जैसी उनको करनी चाहिए। बड़े टूर्नामेंट में जिस अंदाज में खेलना चाहिए उस अंदाज में बाबर आजम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे सवाल बाबर आजम की बल्लेबाजी पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम बल्लेबाज के तौर पर भी पूरी तरीके से फेल रहे हैं। केवल नेपाल के खिलाफ एक मैच को अगर छोड़ दें, वो भी छोटी टीम थी, तो किसी बड़ी टीम के खिलाफ बाबर आजम का बल्ला नहीं चला है। भारत के खिलाफ ले लीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ ले लीजिए, श्रीलंका के खिलाफ ले लीजिए, बाबर आजम का बल्ला किसी भी टीम के खिलाफ नहीं चला है। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब ये बाबर कैसे विश्व कप जिताएगा, कैसे ये भारत में जाने के बाद पाकिस्तान को चैंपियन बनाएगा। इस तरीके के सवाल अब खड़े होने लगे हैं बाबर आजम की कप्तानी पर, उनके खेल पर एशिया कप के बाहर होने के बाद। अब ये पाकिस्तान के अंदर खबर चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली इस तरीके की मची हुई है कि क्या बाबर आजम को वर्ल्ड कप से पहले हटा दिया जाए। इस तरीके की खबरें चल रही है कि बाबर आजम की कप्तानी वर्ल्ड कप से पहले जा सकती है। अगर ये पाकिस्तान बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि शायद भारत में बाबर आजम उतना बेहतर कप्तानी नहीं कर पाएगा, शायद वर्ल्ड कप में बाबर आजम उतनी बेहतर कप्तानी और बल्लेबाजी नहीं कर पाएगा, इसीलिए बाबर आजम से कप्तानी लेकर किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तानी देने की बात चल रही है। अब वो दूसरा कप्तान कौन होगा इसको लेकर तो अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी पर इस वक्त सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरीके से खलबली मची हुई है जिस तरीके से बाबर आजम ने कप्तानी करके दिखाई है एशिया कप में, उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका बाबर आजम की कप्तानी को लेकर क्या कहना, क्या आपको लगता है कि वास्तव में बाबर आजम की कप्तानी छीन लेनी चाहिए, बाबर आजम उस तरीके के कप्तान नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।